आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल स्ट्रीट फूड खिलाने, जबकि इतना ज्यादा बढ़िया डिश है। मैंने एक बार दिल्ली में ट्राई किया था और बहुत ही बढ़िया लगा था। और देखिए कितने बढ़िया से ये पक रहा है धीरे धीरे। अब ये आटे का रोटी को बेक किया जा रहा है, बस गर्म किया जा रहा है। ये देखिए, ये है यहाँ का क्रिस्पी चिकन लेग। बहुत अच्छे से इसको सर्व किया गया है तीन तरह की चटनियों के साथ में। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसा है यहाँ का चिकन शोरबा रोल का टेस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी ने यही ऑर्डर किया और यही मतलब खाया। अब टेस्ट करते हैं क्रिस्पी चिकन लेग और काफ़ी क्रिस्पी दिख रहा है, ये देखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल स्ट्रीट फूड खिलाने और लोहाडी में अभी हम हैं और यहाँ पे लगता है एक प्यारा सा कार्ट और यहीं पे आज हम आए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको और देखते हैं कि क्या क्या है इनके पास और फिर ऑर्डर करेंगे कुछ और टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ का स्ट्रीट फूड कैसा है। तो ये देखिए, ये है वो प्यारा सा कार्ट जहाँ पे आज हम लोग आए हैं, याराना पॉइंट। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये, जिसको देखते ही रुक गए, चिकन शोरमा। और ये रांची में शायद ही कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। अभी बहुत उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, जबकि इतना ज़्यादा बढ़िया डिश है। मैंने एक बार दिल्ली में ट्राई किया था और बहुत ही बढ़िया लगा था। और चलिए अब यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अपने सिटी रांची में ये कैसा बन रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब छोटा सा कार्ट है लेकिन बहुत सारे आइटम्स हैं। तो आइए पहले मैं आपको आइटम्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है याराना पॉइंट का मेनू कार्ट या फिर रेट लिस्ट, आप कुछ भी कहिए, यही है। ये सारे आइटम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो चलिए अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। मैं आप सभी को याराना पॉइंट का लोकेशन बता देता हूँ ताकि आप जब यहाँ पे आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए, ये कारमेल स्कूल है, जस्ट इसके बगल में ही ये स्टॉल लगता है। और टाइमिंग वगैरह मैं आपको पूछ के बताऊँगा अभी, पहले टेस्ट करते हैं उसके बाद सब कुछ डिटेल्स आपको बता देंगे। तो चलिए अब कुछ ऑर्डर करते हैं और करते हैं टेस्ट। यहाँ पे खड़े होके भी अपने स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे शोरमा है, चिकन विंग्स है, या फिर इस साइड में टेबल्स लगे हुए हैं तो यहाँ पे बैठ के भी आप आराम से फूड को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा कॉम्पैक्ट सा ये कार्ट बना हुआ है इनका और बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। छोटा सा है लेकिन साफ सफाई बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मेंटेन करके रखा गया है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि छोटा सा है और उस वजह से मैंने सब रखा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर, या फिर कोई भी चीज़ बनती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ का वीडियो करते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। अब हमारे लिए शोरमा बनने जा रहा है और देखिए कितने बढ़िया से ये पक रहा है धीरे धीरे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको कट किया जा रहा है चिकन शोरमा रोल के लिए। ये चीज़ें हमारे रांची सिटी में मिलने लगी है, वो भी ऐसे स्ट्रीट पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को भी बताया जाए। ये देखिए, अब इसको अच्छे से कट किया जा रहा है और रोटी को बेक किया जा रहा है। आटे का रोटी है, अच्छा, पका हुआ ऑलरेडी, बस गर्म कर रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए, अब ये आटे का रोटी को बेक किया जा रहा है, बस गर्म किया जा रहा है, पका हुआ है ऑलरेडी, बस इसको गर्म किया जा रहा है। तो मुझे लगा भैया कि मैदे से बना हुआ है। नहीं नहीं, ये आटे का रोटी है। आटे का है ना, हम लोग खुद से बनाते हैं सर। अरे वाह, क्या बात है। तो और ये क्या जा रहा है भैया? ये वेज मेयोनीज है। अच्छा, ये वेज मेयोनीज है। तो ये देखिए, अच्छे से वेज मेयोनीज को लगाया जा रहा है इस पे। क्या है भैया? ये तीखा चटनी है। अच्छा, ये तीखा चटनी है। तो एक मतलब क्या चीज से बनता है भैया? धनिया जैसे? हाँ, धनिया पुदीना बहुत कुछ इसमें मिक्स है। अच्छा अच्छा, तो ये चटनी जा रहा है इस पे तीखा वाला मेयोनीज के बाद। सैलड है ये, कैबेज और कैरेट है ना। अरे वाह, तो अभी कैबेज और कैरेट का सैलड गया और उसके बाद कटिंग किया हुआ ये चिकन जा रहा है। और ये देखिए, अब इसके बाद ये कटिंग किया हुआ जो शोरमा में से कट किया गया है वो चिकन इसके ऊपर गया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या है भैया? ये मसाला है। अच्छा, ये मसाला है, मतलब भैया का कोई सीक्रेट मसाला है। वही समझ लीजिए। फिर ऊपर से ये वेज मेयोनीज जा रहा है। अच्छा, तो फिर से ऊपर से इसके वेज मेयोनीज गया, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमारा रोल रेडी हो गया है।
बनने जा रहा है क्रिस्पी चिकन लेग, और इसको सबसे पहले ये मैदा है भैया के? हाँ भैया मैदा है। मैदा है ना, तो चिकन लेग पीस को पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है और उसको अब डाला गया है ये मैदे में, अच्छे से इस पे मैदा लगाया जा रहा है, तो फिर पानी में डिप किया गया। क्या बात है, पूरा केएफसी वाला फील आ रहा है, उस टाइप का कुछ बन रहा है, बहुत ही अल्टीमेट है। देखते हैं कि कैसा बनता है ये और बनने के बाद ये कैसा लगता है। अच्छे से मैदे को लगा दिया गया है और ये देखिए अब ये कढ़ाई में जाने के लिए तैयार है। तो ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको डीप फ्राई किया गया और अब ये लगभग तैयार है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें और कितना क्रिस्पी दिख रहा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। वाओ, ये क्या है भैया? ये भैया मसाला है, चाट मसाला। क्या आप अपने से कुछ बनाते हैं? अपने से वाला है। अच्छा, ये भैया लोगों ने तैयार कर रखा है, ये स्पेशल मसाला है इनका, उसको इसके ऊपर से डाला जा रहा है। और लुकिंग वाइज तो सच में क्या ही कहना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अब इसको टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि टेस्ट वाइज ये कैसा है। इसके साथ जाएगा ये मेयोनीज और ये है शेजवान। अच्छा, ये शेजवान है। अच्छा, तो ये शेजवान है और ये है टमाटो सॉस। तो चलिए टेस्ट करता हूँ चिकन शोरमा को और बताता हूँ आपको कि कैसा है इसका टेस्ट। बहुत ही बढ़िया से इसको फील किया गया है, बहुत ही अच्छे से जो शोरमा है उसको डाला गया है इस रोल में। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है इसका टेस्ट। लाजवाब है शोरमा का जो टेस्ट है ना, थोड़ा सा मतलब स्पाइसी है और अल्टीमेट टेस्ट है। और जो शोरमा मशीन पे पका है ना, तो नॉर्मली जो फ्राई चीज़ें हम खाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, लजीज है बहुत ज़्यादा। तो एक बार ज़रूर आना बनता है स्पेशली शोरमा खाने के लिए याराना पॉइंट पे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा आ गया शोरमा खा के। तो चलिए फटाफट से टेस्ट करते हैं यहाँ का क्रिस्पी चिकन लेग, तो उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है यहाँ का क्रिस्पी चिकन लेग। ये देखिए ये है यहाँ का क्रिस्पी चिकन लेग, बहुत अच्छे से इसको सर्व किया गया है 3 तरह की चटनियों के साथ में। और देखिए साइज कितना बढ़िया है, बहुत ही बड़े बड़े ये चिकन लेग पीस हैं और बहुत क्रिस्पी दिख रहा है, ये बहुत ही क्रंची दिख रहा है। वाओ, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब, इतना ज्यादा क्रिस्पी है ना कि मतलब क्या ही कहूँ, मजा आ गया। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि जितना क्रिस्पी होगा उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, सच में मज़ा आ गया खा के। अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए ना, तो आप किसी सेलेक्टेड स्ट्रीट कार्ट पे भी जाके उस टेस्ट को ले सकते हैं। लाजवाब है याराना पॉइंट का ये क्रिस्पी चिकन लेग, मज़ा आ गया। तो चलिए अब खुशबू टेस्ट करेगी और आपको बताएगी कि कैसा है यहाँ का शोरमा और क्रिस्पी चिकन लेग। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसा है यहाँ का चिकन शोरमा रोल का टेस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी ने यही ऑर्डर किया और यही मतलब खाया, तो मैं सोचती थी कि शायद कुछ स्पेशल होने वाला है इसका टेस्ट। तो मैं सबसे पहले इसको ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कैसा है इसका टेस्ट। देखने में तो सच में बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नॉर्मली जो चिकन खाते हैं हम उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है शोरमा का, सच में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। हो सकता है मशीन पे ये पकता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हीट पे ये पकता है, तो हो सकता है इससे ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया हो इसका। और सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया खा के इसको, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अब समझ में आया कि यहाँ पर भीड़ इतनी क्यों थी, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अब टेस्ट करते हैं क्रिस्पी चिकन लेग और काफ़ी क्रिस्पी दिख रहा है, ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और काफ़ी गर्म गर्म है।
तो मैं सबसे पहले डिप कर लेती हूँ शेजवान चटनी में। ये देखिए मैंने डिप कर लिया है, अब ट्राई करते हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी है और क्रिस्पी होने के साथ साथ जो उसका टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे चिकन शोरमा भी अच्छा लगा और ये क्रिस्पी चिकन लेग भी अच्छा लगा। दोनों ही चीज़ें इतनी अच्छी है ना मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनका, मज़ा आ गया। कम प्राइस में अगर आप अच्छा टेस्ट चाह रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट होने वाली है। याराना पॉइंट बहुत ही बढ़िया है और टेस्ट बता ही नहीं सकती कितना बढ़िया टेस्ट है यहाँ का, बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए अब इसे फटाफट से ख़त्म करते हैं और फिर आप हमने अपना फूड कंप्लीट कर लिया और बहुत ही मज़ा आया, सबसे बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही बढ़िया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रोल है ना वो जो आटे का रोल बना हुआ है मैदे का नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सही बात है। नॉर्मली मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा इस बात में कि हम लोग कोई भी चिकन रोल खाए या फिर किसी भी टाइप का रोल खाए तो उसमें मैदे से बना हुआ रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि चिकन शोरमा में आटे का जो वो रोटी बना हुआ था बहुत हेल्दी लगा हमें, और ऐसा लगता है कि मैंने एक की जगह दो तीन खा ले तो भी ये हार्म नहीं करने वाला है बल्कि फ़ायदा ही करेगा। तो ये एक पॉइंट था जो हमें बहुत अच्छा लगा, और टेस्ट तो है ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया। आप भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए याराना पॉइंट पे, और यहाँ का टेस्टी शोरमा और चिकन के बहुत सारे आइटम्स हैं उनको टेस्ट कीजिए। और चलिए अब यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए, तो अब हमारे साथ हैं यहाँ के ऑनर। और भैया सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम? मेरा नाम हुआ नवीन इंदवार। तो नवीन सर है हमारे साथ, तो नवीन सर ये बताइए कि कब से स्टॉल है यहाँ पे? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये अभी थर्ड वीक कंप्लीट हुआ है आज ही। अच्छा, तो थर्ड वीक आज ही कंप्लीट हुआ है, एक महीने से कम का ही शॉप है, और भीड़ आप देख ही रहे हैं किस लेवल का भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। नवीन भैया क्या टाइमिंग रहता है यहाँ? वैसे हमारा टाइमिंग है 3 से 10, ठीक है ना, लेकिन अभी समर आ रहा है तो उसके वजह से थोड़ा इवनिंग में ही होगा, अप्रोक्स 4 बजे हम लोग लग ही जाता है, तो 4 से 10 11 इतना। तो 4 से 10 बजे तक कंफर्म यहाँ पे आपको भैया मिलने वाले हैं। और कोई भैया वीकली हो? कोई वीकली ऑफ तो नहीं है, है ना, 365 डे। वैसे कोई अगर फेस्टिवल हो गया तो फिर उसमें ऑफ करते हैं, जैसे कि कल परसों में होली था तो पूरा सुनसान हो गया था तो फिर। अच्छा हाँ, तो मतलब आप समझ लीजिए फेस्टिवल्स को छोड़ के बाकी और दिन सारे दिन खुला है, वीक में कोई भी दिन बंद नहीं रहता है, हाँ फेस्टिवल्स में बंद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना भीड़ होते हुए भी हमें टाइम दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ आके हमें, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मज़ा आया हमें, तो आप भी एक बार विजिट ज़रूर कीजिए याराना पॉइंट पे लोहाडी में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल खुशबू प्रिंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।